यार एक बात बताओ, आपने वो डोमिनोज के 1000 रुपए वाले पिज्जे ट्राई किए हैं? हाँ भाई, डोमिनोज भी ऑथेंटिक इटालियन पिज्जे सर्व करता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। ये वाली एड नहीं देखी आपने? Presenting a love story from Italia, Viva Roma, the Italian gourmet range by Domino's. With a sauce born from the juiciest Italian tomatoes. And cheese, only Italiano, please. Beautiful bocconcini and rich parmesan. With precious Italian toppings and a drizzle of olive oil. वैसे उनकी सीरीज में से ना मैंने वो प्रिमावेरा पिज्जा और बुराटा चीज पिज्जा खाया हुआ है, और भाई था तो बढ़िया यार। और आज ना बड़ा मन कर रहा है मेरा पिज्जा खाने का, तो सीन एकदम सॉर्टेड है। लेट्स गो एंड ऑर्डर सम डोमिनोज के पीए। यार पहला पिज्जा मैंने ले लिया है, बट डोमिनोज में जाके ना अभी मेरे साथ एक लॉल हो गया यार। जब मैंने लास्ट टाइम ये वीवा रोमा के पिज्जा खाए थे ना, तब इनके मेन्यू में 11 से भी ज्यादा वेराइटीज थी। मतलब जितना मुझे याद आ रहा है 11 तो थी, बट इन्होंने ना आधे से ज्यादा डिसकंटिन्यू कर दिए पिज्जा। अब सिर्फ 4 या 5 ही बचे हैं। मतलब जब मुझे ट्राई करने थे सारे, तभी इनको डिसकंटिन्यू करने थे क्या? एनीवे, मैंने ना ये क्वात्रो फॉर मांगी पिज्जा ऑर्डर किया है। ये पनीर है क्या? आई गेस नो भाई, दिस इज चीज। इस पिज्जा का पता है क्या सीन है? डोमिनोज वालों ने इसमें 4 वेराइटीज के चीज डाल के दिए हैं। एक तो वो चेडर चीज है, एक मोजरेला है, एक है बॉकनी चीज। बॉकनी होता है, बॉचनी होता है, मतलब समझ गए ना। एंड एक और है यार, मैं नाम भूल गया, क्या नाम था उसका, कोई पेपर चीज था यार, मैं भूल गया, घोस्ट पेपर चीज है। अब इसको ट्राई करते हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ यार, पिज्जा में से ना खुशबू तो बढ़िया सी आ रही है यार। ओके, बीच में से इन्होंने मेरा 500 रुपए का पिज्जा थोड़ा बहुत जला भी दिया। एंड भाई इसे ना थोड़ा ओरिगैनो डाल के भी ट्राई करते हैं। स्मूथ पिज्जा, बट ठीक है भाई, साथ में दिया है तो ट्राई कर लेते हैं। अजीब सा हो गया यार, बिना ओरिगैनो के बेटर लग रहा था। वैसे ना ये वीवा रोमा पिज्जास के साथ, मतलब मोस्टली ये वाले पिज्जास के साथ ये लोग ऑलिव ऑयल देते हैं, और कुछ कुछ पिज्जास में तो ये एक छोटा सा बॉक्स देते हैं जिसके अंदर पार्सली और बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट इसके साथ ना ऑलिव ऑयल दिया है, बस इन्होंने ओरिगैनो दिया है और चिली फ्लेक्स दिए हैं। पहले ना इसको ऐसे ही ट्राई करता हूँ। ओ भाई यार, ये तो सही है भाई। एक्चुअली में मुझे अलग अलग चीज़ का फ्लेवर पता चल रहा है। चेडर का ना फ्लेवर ही अलग होता है, सही फ्लेवर आ रहा है इसका। एंड ये जो इन्होंने गोश्त वाला चीज़ यूज़ किया है, गोश्त पेपर वाला चीज़, भाई उसकी वजह से ना हल्का सा वो मसालेदार हिंट आ रहा है। आई थिंक ये इन्होंने पिज्ज़ा अच्छा बनाया है। दिस इज गुड भाई। वैसे एक बात बताऊँ, ये वाले पिज्ज़ा ना इनके सस्ते नहीं है। ये मैंने रेगुलर साइज पिज्जा लिया है और ये 540 रुपये का पिज्ज़ा है, तो एक्सपेंसिव तो है यार ये। बट ऑफकोर्स ये फुलफिलिंग भी है और इसमें छोटा वाला साइज़ भी नहीं आता, तो आपको 500 रुपये से ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे अगर आपको ये फ्लेवर ट्राई करना है तो। मेरे पास ना अभी 3 slices और हैं, मैं 2 खाऊँगा, ठीक है, भूख की ज़्यादा लगी है। फिर सी एट द लंच। पेट ना भाई मेरा ऊपर तक भर गया है। अब थोड़ी देर के लिए 2 times और फिर चलते हैं डोमिनोज फॉर लंच। भाई पिज्ज़ा नंबर 2 इज हेयर, और लंच के लिए मैंने ऑर्डर किया है अल फुंगी पिज्ज़ा। अब मुझे नहीं पता यार इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, और मेरा पेट भी थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है, बट आई एम रेडी फॉर दिस पिज्ज़ा। खुल जा सिम सिम, ओ नाइस, दिस लुक्स गुड। और साथ में ना इसके ये इटालियन हर्ब सीजनिंग भी मिली है, एंड आई हैव आल्सो गॉट दिस ऑलिव ऑयल। भाई टेम्पटिंग तो लग रहा है यार ये पिज्ज़ा सही में। वैसे मैंने अल फुंगी को ना अभी गूगल किया था, फुंगी एक तरीके का मशरूम होता है, तो ये उसी मशरूम से बना हुआ पिज्ज़ा है। इसके अंदर ये अल फुंगी वाला मशरूम है, चेरी टमाटोज, आलापेनियोज, चीज़ एंड रेड सॉस। मेरे को तो यार ये नॉर्मल ओरिगैनो ही लग रहा है। ओह आई थिंक इसके अंदर ही चिली फ्लेक्स भी हैं। नाइस भाई, लेट्स स्प्रिंकल सम इटालियन सीजनिंग हर्ब्स।
भाई ऑलिव ऑयल भी आया साथ में, तो मेरा मन है सिर्फ दो स्लाइसेस खाने का, इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं दो पे ऑलिव ऑयल। ओह नो, ज़्यादा डल गया। बट ठीक है भाई, आज पिज्ज़ा डे है, सो टुडे इज माय चीट डे। दिस इज सो सॉफ्ट भाई, सच बता रहा हूँ भाई, डोमिनोज का पिज्ज़ा लग ही नहीं रहा भाई। लिटरली दिस पिज्ज़ा इज ओवरलोडेड विद चीज़, और भाई चीज़ और मशरूम का फ्लेवर ना बहुत ही अम होता है, मतलब इकट्ठे ना दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा होता है। बट साथ में इन्होंने एलापेनियोज भी डाले हुए हैं, वो स्मूथ फ्लेवर के साथ 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 में वो एलापेनियो का पियर्सिंग फ्लेवर भी आ रहा है। ये सीन है, लुक एट दिस भाई, अब ये जाएगा मेरे पेट में भाई। पता है एक बार डोमिनोज वालों ने मेरे साथ क्या किया था, मैंने इनका बुराता पिज्ज़ा ऑर्डर किया था जिसमें वो बुराता चीज़ बॉल मिलती है, मतलब इन्होंने पूरा पिज़्ज़ा भेज दिया, वो बुराता चीज़ बॉल भेजना ही भूल गए भाई। डोमिनोज वाले ना कभी कभी एकदम मज़े लेते हैं मुझसे। बट अब ना वो बुराटा वाला पिज्ज़ा इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, बड़े वाला पिज़्ज़ा एकदम सॉलिड है। एंड बाय द वे मैंने ना मीडियम वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और इसके लिए मैंने पे किए हैं 534 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से सही है भाई, वैल्यू फॉर मनी है, मज़ा आया यार। आई नो दो स्लाइसेस की बात हुई थी, बट तुम्हारे भाई ने दो से ज़्यादा ही स्लाइसेस खा लिए हैं भाई, पिज़्ज़ा इतना बढ़िया था भाई। अब इसको मैं पैक कर रहा हूँ, घर चलते हैं एंड टू टाइम्स, और फिर मिलेंगे एट द डिनर। गाइज हेलो अगेन भाई, बहुत तेज भूख लगी है, और डिनर के लिए ना मैंने ऑलरेडी पिज्ज़ा अपना ऑर्डर कर दिया है, आ भी गया है भाई वो। ये है स्मोक चिकन गुरमे पिज्ज़ा, इसके अंदर ना चिकन है, ऑलिव्स हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी चीज़ है, और यही सीन है भाई। हाँ बेल पेपर्स भी हैं यार स्मोक चिकन पिज्ज़ा के साथ ना। देखो कोई ऑलिव ऑयल नहीं आया, और वो इनकी सीजनिंग है ना वो भी नहीं आई, बस ये नॉर्मल एक तो चिली फ्लेक्स आए हैं और ये सीजनिंग आई है, हाँ नॉर्मल वाले ऑरिगैनो सीजनिंग। बट डोमिनोज वाले ना इस पिज्ज़ा के अंदर एक चीज़ भूल गए हैं भाई। जब मैं इनका पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहा था ना, उस पे ना एक पेस्टो का वो सर्कुलर कुछ इन्होंने बनाया हुआ था, मतलब इसके अंदर पेस्टो सॉस भी होनी चाहिए थी, जो कि क्लियरली मिसिंग है भाई। डोमिनोज अब तो यार ये सेकंड टाइम हो रहा है, पहले भी मैंने बुराता पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, आप इतना बड़ा वो बुराता चीज़ ही भूल गए थे, अब इस पे आप पेस्टो डालना भूल गए हैं, ऐसे कैसे होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। खैर अपनी स्लाइस पे थोड़ा सा ओरिगैनो ड्रिजल करता हूँ, ओके एनफ, नाउ लेट मी टेक अ बाइट। यार बहुत सारे ऑलिव्स हैं इसके ऊपर, देखना हर जगह, आई हेट ऑलिव्स। ओह नाइस भाई, नॉट बैड, ऑलिव्स हैं इसके अंदर, बट चीज़ और चिकन का फ्लेवर ना सही लग रहा है ऑलिव्स के साथ भाई। देखो ऑल दो इसके अंदर ऑलिव्स हैं, बट यार इसका फ्लेवर अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो कैसे यार, मतलब इसी फ्लेवर का पिज्ज़ा ना डोमिनोज में, जो इनका जो बारबेक्यू चिकन पिज्ज़ा होता है उसमें से भी वैसे ही फ्लेवर आता है सही में। ये भी सही है यार, नॉट बैड, बट हाँ इसके लिए मैंने भाई 550 रुपये पे किए हैं, वो शायद 200-250 रुपये में आ जाता है। ऑल्सो ये जो वीवा रोमा सीरीज है ना भाई, जो मेजर फ़र्क है, हाँ कॉस्ट टॉपिंग का तो है ही है, बट इनके क्रस्ट का भी बहुत डिफरेंस है। जो नॉर्मल हम डोमिनोज के पिज्ज़ास खाते हैं ना, वो ना रोटी की तरह फूले हुए होते हैं, उनका क्रस्ट बहुत फूला होता है, बट इनका क्रस्ट इज थिक, इट्स सॉफ्ट एंड इट टेस्ट अमेजिंग। मतलब 550 रुपये ले रहे हैं तो चीज़ बढ़िया दे रहे हैं भाई, पेट ना मेरा अच्छे से भर गया। और सही बताऊं ये वीवा रोमा वाले ना पिज्ज़ा तो देखो सॉलिड है, बस हाँ पैसे आपको थोड़े ज़्यादा भरने पड़ेंगे, ये सीन है। बाकी आप इनके ये वाले पिज्ज़ा ट्राई कर सकते हो, अगर आप उन नॉर्मल 100-200 वैरायटी के पिज्ज़ा से डोमिनोज के बोर हो गए हो तो। बाकी भाई आई रियली होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।